नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ ही हवा भी बहुत खराब हो गई है। दिल्ली की आबोहवा सोमवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही और अगले तीन दिन तक इसमें सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज बहुत खराब श्रेणी में है। राजधानी दिल्ली में AQI 396 है, जबकि 2.5 PM मानक से ऊपर 308.2 घन मीटर है। नोएडा में AQI बहुत खराब है, 310 रिकॉर्ड किया गया है यहां पर। इसके अलावा गुरुग्राम में थोड़ी राहत की खबर है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 284 है। प्रदूषण में दिल्ली को आज भी राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। यहां का AQI बेहद गंभीर स्थिति में बना हुआ है। आपको बता दें कि 0 से 50 के AQI को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 के बीच को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच को गंभीर माना जाता है। पिछले दिनों दिल्ली में ये AQI 700 के पार पहुंच गया था, जिसने चिंता में डाल दिया है। फिलहाल प्रदूषण से थोड़ी राहत है, लेकिन अभी भी ये खतरनाक श्रेणी में ही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पूर्वानुमान एजेंसी सफर के मुताबिक दिल्ली में वायुमंडल के निचले स्तर की हवाएं 17 और 18 नवंबर को और धीमी हो जाएंगी, जिससे प्रदूषकों का फैलाव कम होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पूर्वानुमान एजेंसी सफर ने कहा, कुल मिलाकर अगले तीन दिन तक AQI के बहुत खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है। वहीं देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली NCR में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रह सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदूषण और हवाओं की दिशा में हो रहे बदलाव की वजह से ठंड से थोड़े दिन और राहत मिलेगी, लेकिन इस महीने के आखिरी हफ्तों में ठंड बढ़ जाएगी, यानी कि अगले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम पारा 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। गौरतलब है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते राजधानी दिल्ली और NCR के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति अभी भी खराब श्रेणी में ही रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।